मैं तिवारी आए आपके साथ एंटरटेनमेंट शो पे। आज मैं आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करने जा रही हूँ। वो क्या दीदी? अपने पापा की बातें। आप सभी जानते हैं कि मेरे पापा बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं। वो तो है। एक बार महानायक अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करते हुए मेरे पापा ने उनसे पूछा, आपके पिताजी तो कवि थे, महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन, उनके शब्दों में आप अपनी बात कैसे कहेंगे? तो उन्होंने एक कविता सुनाई जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। जो हुआ अच्छा बुरा सब झेल कहने का समय पे, एक दिन आया कि होनी हो चुकी शिक्षा और दीक्षा, तब अपनी भूल मालूम हुई शहर, जब की जाना जिंदगी सारी परीक्षा, ओ परीक्षक सब जहाँ है, जिंदगी तो इम्तिहादन इम्तिहा है। ये कविता मेरे पापा को बहुत पसंद है। आज मेरे पापा बहुत भावुक दिखे। जब मैंने कारण पूछा तब उन्होंने बताया महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ ट्वीट किया था, उन ट्वीट को पढ़कर पापा भावुक हो गए। मेरे पापा ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया और वो ट्वीट आप भी देखिए। इंसानियत की तरफ एक कदम आप भी बढ़ाएं। हमें कोरोना से डरना नहीं, उसे डराना है, घर में रहकर उसे भगाना है। तो चलिए अब टाइम हो गया हमारे लकी विनर चूज करने का। नंबर वन। सो नंबर दो, नंबर वन जीता है मिस्टर सुनील मंत्री ने। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।